पूरी की जवाब। विश्लेषक जब राजनीतिक पार्टियों की प्रवक्ता की तरह बोलने लगे ना, तो मेरी एक गुजारिश है, इनके नाम के नीचे लिख दीजिए, सर्कस का एक और सोया हुआ शेर जाग रहा है, हो सकता है इनकी कोई साठगांठ हो, लेकिन आज के ये मुद्दे पे सुनने रहते। प्लीज रोहित जी, रोहित जी, ये बयान प्लीज सुनने के लिए आपने छोड़ा था क्या? प्लीज इनसे बोले चुप मुद्दे करा पे बात दीजिए, करें, जो मैंने जब बताया चीफ ने है, बोलेंगे तब बोलूंगा। मुद्दे की बात मैं आप नहीं शांत हो जाता हूँ करेंगे। रोहित जी, आप शांत करा लीजिए, मैं आप बोल लूंगा सोए प्लीज। हुए, आप कितने बड़े सोए हुए गीदड़ अच्छा है वो अच्छा सबको पता है। रवि टीच जी, रवि जी मुद्दे पे आ जाएं वापस, में बोलेंगे तो ठीक है। सुनेंगे। मुद्दे गौरव की जी, बात करें सर, मुद्दे पे आ जाएं, मुद्दे पे आ बिल्कुल मैं जाएं, मुद्दे पर ही बोल रहा हूँ। प्लीज। चलिए अब भूमिका छोड़ के मुद्दे पे आ जाएं सीधे। नवीन जी वेट कर रहे हैं और यशोवर्धन जी भी, बोलिए। देखिए, मैं जल्दी जल्दी तीन बिंदु, जिसकी वजह से संदेह होता है कि पॉलिटिकल मास्टर्स, मुख्यमंत्री, शिवसेना का पूरा सपोर्ट इनको है, समर्थन है, शिवसैनिक वो पहले रहे। एक दूसरा, जो क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट होता है, इसका जो हेड होता है वो पीआई लेवल का होता है। क्यों एपीआई लेवल के व्यक्ति को आपने हेड बनाया और सीधा ये रिपोर्ट कमिश्नर को क्यों करता था? क्योंकि वो चाहते थे कि अंदर की बात, ये जो घपला है, जो वर्दी से फिरौती करवा रहे हैं, ये अंदर रहे। अब मैं यशोवर्धन जी की बात का उत्तर देना चाहता हूँ। यशोवर्धन जी, अभी जांच चल रही है, आप बड़े ही सम्मानित व्यक्ति हैं, टेरर एंगल है कि नहीं है ये तो तय जांच के बाद होगा। और आप भी मानेंगे, जब वर्दी का भी रोल संदिग्ध है, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि जांच निष्पक्ष एजेंसी द्वारा होनी चाहिए। और इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि इनको संरक्षण जो है वो राजनीतिक बहुत बड़े ओहदे के व्यक्ति से, जो मुख्यमंत्री खुद हो सकते हैं, उनसे भी मिला हो। तो ठीक, एनआईए जांच कर ले, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, जो ओके गलत कार्य कर रहा है उसको सजा हो, यही ओके तो हर कोई चाहता है। ठीक है। आजाद साहब बोलिए, फिर चौमाल साहब आपके पास आ रहा हूं, बोलिए आजाद साहब। गौरव जी, आपको एक बात बता दूं, मैं 20 साल से इसमें, मेरा अनुभव है कि जब आपके पास डेटोनेटर नहीं है तो वो बॉम्ब नहीं हो सकता, और इसलिए इसमें टेरर का कोई एंगल नहीं है। और ये स्पष्ट हो चुका है विवेचना में कि एक एक्सटॉर्शन का केस था, इसमें टेरर एंगल नहीं था। और जब ये भी मालूम है कि उसमें मुख्य जो आरोपी हैं वो सचिन वाजे हैं, तो उसके नहीं, बाद भी ये स्पष्ट यशोवर्धन है जी, मैं एक कि ये सवाल पूछ सकता हूँ आपसे? हाँ मैं एक सवाल पूछना पूछिए, चाहता हूँ मेरे आपसे। को जरा बोलने दीजिए, फिर आप जरूर पूछिए। जरूर,